बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और शायकीन क्रिकेट बड़ी बेसब्री से एक एक मैच का इंतजार करके उसे देख रहे हैं और क्रिकेट जितनी भी शॉर्ट हो इतनी ही शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करता है। इसीलिए आवाम टेस्ट और वन डे से ज्यादा T20 को पसंद करती है। एक तरफ IPL तो दूसरी तरफ PSL शायकीन क्रिकेट बड़ी शौक से इंजॉय करते हुए नजर आते हैं और ICC भी शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने के लिए वर्ल्ड कप का इनेकाद करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिकेट के हिस्ट्री में होने वाले तमाम T20 वर्ल्ड कप के विनर और कुछ हीरोज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। T20 वर्ल्ड कप 2007। T20 वर्ल्ड कप 2007 क्रिकेट हिस्ट्री का पहला T20 वर्ल्ड कप था जो कि साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया और इसका फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया। यह मैच निहायत ही सनसनीखेज था। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए थे और पाकिस्तान को 157 रन का हदफ दिया, जो कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन की जरूरत थी वो धोनी की जहानत की वजह से नहीं निकाल सका। इस मैच के हीरो इरफान पठान थे जिसने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और एक खिलाड़ी को भी आउट किया, जबकि इस टूर्नामेंट के हीरो शाहिद खान अफरीदी करार पाए जिसने कमाल की बैटिंग और 12 विकेट अपने नाम किए। T20 वर्ल्ड कप 2009। T20 वर्ल्ड कप 2009 इंग्लैंड में खेला गया और इस वर्ल्ड कप में दोनों ही एशिया की टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका ने फाइनल खेले। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 138 रन का हदफ दिया जिसमें कुमार संगकारा ने 64 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल रजाक ने बेहतरीन बॉलिंग की और 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर इसे पूरा किया। इस मैच के हीरो शाहिद खान अफरीदी करार पाए जिन्होंने 54 रन की दुआदार इनिंग खेली, जबकि इस टूर्नामेंट के हीरो दिलशान को करार दिया गया जिसने 63 रन के औसत से 317 रन किए। T20 वर्ल्ड कप 2010। T20 वर्ल्ड कप 2010 वेस्टइंडीज में हुआ और फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने 147 रन का हदफ दिया, जो कि इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर चेस कर दिया। इस मैच के हीरो कीस विटर को करा दिया गया जिन्होंने 63 रन बनाए और इस टूर्नामेंट के हीरो केविन पीटरसन को करा दिया गया जिन्होंने 62 के एवरेज से 248 रन बनाए गए। T20 वर्ल्ड कप 2012। T20 वर्ल्ड कप 2012 का आगाज श्रीलंका में हुआ और इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच वेस्टइंडीज और श्रीलंका के दरमियान खेला गया जिसमें वेस्टइंडीज ने 137 रन का हदफ दिया गया, लेकिन श्रीलंकन टीम सिर्फ 101 रन ही बना सके। इस मैच के हीरो सिम्यूल्स को करार दिया गया जिन्होंने 78 रन की दुआदार इनिंग खेली और इस वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी शेन वाटसन को करार दिया गया जिसने 50 रन के औसत से 249 रन बनाए और 11 विकेट अपने नाम की। T20 वर्ल्ड कप 2014। वर्ल्ड कप 2014 की मेजबानी बांग्लादेश ने की और इस वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। इस मैच में इंडिया ने 130 रन का हदफ दिया गया, जवाब में श्रीलंका ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया गया। इस मैच के हीरो कुमार संगकारा को करार दिया गया जिन्होंने 54 रन की दुआदार इनिंग खेली, जबकि इस टूर्नामेंट के हीरो विराट कोहली को करार दिया गया जिसने पूरे टूर्नामेंट में 314 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप 2016। 2016 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया को मिली और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 155 रन का हदफ दिया गया जिसमें वेस्टइंडीज के ब्रेटवेट ने आखिरी ओवर में लगातार 4 छक्के मारकर मैच का पासा पलट दिया और हारा हुआ मैच जीत में बदल दिया गया। इस मैच का हीरो सिम्यूल को करार दिया गया जबकि टूर्नामेंट के हीरो विराट कोहली करार पाए जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 273 रन बनाए गए। T20 वर्ल्ड कप 2021। अगर T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात करें तो इस तरह अक्टूबर से शुरू हुआ और 14 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 12 सुपर टीमों को शामिल किया गया है। इनमें से एक ऐसी लकी टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप 2021 का चैंपियन होगा। आपके ख्याल में 2021 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।